मैं जवाब देना चाहूँगा तिलक भाई इनके, प्रमुख जी के। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब देश के सामने ये नंगी हो चुकी है कि इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब इनके पास कोई समय नहीं है। और सच बताऊं तिलक साहब देवेंद्र प्रमुख साहब एक मिनट, जो 2014 में देश की जनता से वादे किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया है। केवल उन वादों से मुकरने के लिए, उस जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाना प्रकार के खरियन, सांप्रदायिक उन्माद, नफरत। और मैं कहना चाहता हूँ तिलक साहब, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भाई मनोज यादव जी ने बहुत साफ गोई से, बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस और सपा की दोस्ती के ऊपर अपना विचार रखा। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति में एक विचारधारा की लड़ाई होती है। आज हिंदुस्तान में इस देश के, तिलक साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, इस देश के लोकतंत्र बचाने की बात हो गई है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो दुनिया के शानदार संविधानों में है, जो देश का लोकतंत्र, जो लाजवाब लोकतंत्रों में से दुनिया के है, आज वो क्या कारण है कि देश के शीर्ष अदालत के कॉलोनियल के चार वरिष्ठ जो है न्यायाधीश उनको देश की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी देश के लोग। आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे एक चीज बताई, आपने कहा कि ये पारिवारिक सीट है, भाजपा तक लगाव है रायबरेली अमेठी से, है ना सर? तो ये बार बार बीजेपी नेताओं को याद क्यों दिलानी पड़ती है अमेठी की आपको? ये सीट नहीं है, चावलारी में बताना चाहूंगा, इन लोगों की पारिवारिक पार्टी है। सर एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट देवेंद्र प्रमुख जी, एक मिनट सर देवेंद्र प्रमुख जी, एक मिनट। जनता के पार्टी आप नफरत की पार्टी हो, आप कई राक्षसों की पार्टी। देवेंद्र प्रमुख जी एक मिनट, देवेंद्र प्रसाद जी अपनी बात रखिए। आप देश को बर्बाद करके रख दिया है, देश को कंगाल कर दिया है, गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया है, किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। कौन सी करने की सजा दी है इस देश के दलित बैकवर्ड? देवेंद्र प्रमुख जी एक मिनट रुकेंगे आप, सबको तबाह कर दिया है आपने। देवेंद्र प्रताप जी सीधी बात बताइए, बार बार बीजेपी नेताओं को, लोकतंत्र को खत्म, बार बार बीजेपी नेताओं को अमेठी की याद क्यों दिलानी पड़ती है आपको? हक छीन करके सर हो गया, हो गया सर, हो गया सर, हो गया। आप लोग हैं देवेंद्र प्रताप जी, हो गया। आप देश की राजनीति की दलाली करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देवेंद्र प्रताप जी हो गया, क्या गया ऐसे राजनेता? सर हो गया, हो गया। अब मुद्दे की बात पर आइए सर। तिलक साहब बार बार बीजेपी नेताओं को अमेठी की याद क्यों दिलानी पड़ती है आपको? को कितना पीछे कर दिया, कितना कमजोर कर दिया इन्होंने। इन्होंने इनका कोई भी जंग के आजादी के इतिहास नहीं है, इनका कोई भी देश को बनाने का इतिहास नहीं है। चलिए सर मैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो सुना देता हूँ, फिर आता हूँ आराम से। सर आप लगता है कि आप सुनना नहीं चाह रहे दोनों, इस तरह से नहीं।